नमस्कार, मेरा नाम उदय भानु छिब है। मैं यूथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रेसिडेंट हूँ। आज यूथ कांग्रेस यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है और हमारा मुद्दा ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का निजीकरण करने जा रही है बीजेपी, उसके विरोध पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिजली प्राइवेट होते ही हमारे जम्मू कश्मीर में बिजली के रेट, बिजली का यूनिट के रेट 3 गुना बढ़ जाएंगे। मान लीजिए जिस घर में 5,000 रुपया बिजली का बिल आता था, ये प्राइवेट होने के बाद 15,000 तक का बिल लोगों को देना पड़ेगा। और मैं साथ ही साथ ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि ऐसा क्या कर दिया उन्होंने कि जो ये ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं। या तो ऐसा हो कि बीजेपी के आने के बाद बिजनेस बहुत बढ़ गया हो, इकॉनमी बहुत हाई होगी, होगी लोगों को इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है कि पैसा खर्चने के लिए नहीं मिल रहा, तो इसलिए बीजेपी बिजली का बिल बढ़ा रही है। लेकिन यहाँ देश की हालत खस्ता है, प्रदेश की हालत खस्ता है, रोज़गार नहीं है और उसके ऊपर ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं आम जनता पे। ये जनता नहीं सहेगी, यूथ कांग्रेस नहीं सहेगी। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 31,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स, जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स हैं जो पावर डिपार्टमेंट में हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके घर वालों की देखभाल जिम्मेदारी कौन, ये बीजेपी वाले लेंगे? तो ये जो गलत योजनाएं हैं बीजेपी की, उनको सही करने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर के लोगों से हम अपील करते हैं कि ये बहुत हो गया, ये कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे लड़ाते हैं और दूसरी ओर हमसे टैक्स लेते हैं, हमारा खून चूसकर बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जेबें भरते हैं। इसलिए अब जागने की ज़रूरत है और हम विरोध पे रहेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद।